हज का नेता चंद्रमोहन बिश्नोई के एक बड़े बयान से हज का और भाजपा के बीच गठबंधन, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। छोटे नेता तो बस अखबार की खबर बनाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ये कहना है हज का के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का। चंद्रमोहन बिश्नोई ने अनिल विज पर पलटवार किया है और कहा है कि घोड़ा भले ही लंगड़ा हो लेकिन उसकी कीमत खच्चर से ज़्यादा होती है। चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा है कि भाजपा के बड़े नेता जो कि नारनौत से आते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, उनके इलाके से भी हज का हिसार लोकसभा में पीछे रही है। वहीं कई भाजपा के बड़े नेताओं ने हजका का सिरसा में भी साथ नहीं दिया। चंद्रमोहन बिश्नोई के मुताबिक वो थूक चाटने वाले लोग नहीं हैं। उनका बयान कांग्रेस का दामन दोबारा थामने के सवाल पर आया है। एक बार कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने कहा कि अगर एक बार कांग्रेस छोड़ दी तो वापस कांग्रेस में जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। चंद्रमोहन बिश्नोई ने ये बयान दिया है कि भले ही लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई हो लेकिन विधानसभा चुनाव में वो 45 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। उनका बयान अनिल विज भाजपा विधायक के नेता के उस बयान के बाद आया है जिसमें अनिल विज ने कहा था कि लंगड़े घोड़े पर कोई दाव नहीं खेलता। उनका इशारा हजका के ऊपर था। हजका लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें हार गई थी और इसी वजह से हरियाणा में भाजपा हजका गठबंधन पर भाजपा के नेता सवाल उठाने लगे हैं। तो चंद्रमोहन बिश्नोई हजका के बड़े नेता ने बयान देकर पलटवार किया है भाजपा के उन नेताओं पर जो कि हजका को कमज़ोर करार देकर गठबंधन की शर्तों को बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल पहले जब हरियाणा में भाजपा और हजका का गठबंधन हुआ था तब शर्त ये थी कि विधानसभा चुनाव में 45-45 सीटों का बंटवारा दोनों दलों के बीच किया जाएगा। लेकिन अब जबकि राजनीतिक बिसात बदल चुका है, लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई है। 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है जबकि 2 सीटों पर हजका हार का सामना कर चुकी है। ऐसे में हरियाणा भाजपा के नेता चाहते हैं कि 45 सीटों की बजाय हजका को सिर्फ 20 सीटें ही दी जाए, जिस पर हजका मानने को तैयार नहीं है। और चंद्रमोहन बिश्नोई का ये बयान जवाब माना जा सकता है भाजपा के उन नेताओं को जो गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सिरसा के अंदर, उनके किसी भी बूथ से हजका आगे नहीं निकली, ये उनके कार्यकर्ताओं की कमी रही होगी। मुख्यमंत्री का दावा भी पेश करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके हलके में अगर हजका पीछे आई तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी कमी रही हो। 6 जगह से हम विधानसभा का चुनाव जीते, हरियाणा जनित कांग्रेस महज 1 साल के अंदर, राष्ट्रीय पार्टी की सिर्फ 4 सीटें थी हरियाणा के अंदर। हमने हमारे कंधे पे बैठा के पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार कर कर, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है ये। तो चंद्रमोहन बिश्नोई के इस बयान पर हम फोन लाइन पर मौजूद अपने संवाददाता कमल मिढा से बात कर लेते हैं। जी कमल, जानना चाहेंगे कि चंद्रमोहन बिश्नोई का ये बयान एक बड़ा बयान है हजका की ओर से उन तमाम भाजपा के नेताओं पर जो कि हजका के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि शर्तें बदलवाने के मूड में हजका बिल्कुल नहीं है।
जी बिल्कुल, तो बात करें जहां करनाल आज पहुंचे थे जो हजका के वरिष्ठ नेता हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, तब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो बीजेपी हजका गठबंधन के बीच जो पलटवार चल रहा है बयानों का, उस पर क्या बोले हैं। तो उस पर उनका सीधा जवाब ये था कि चाहे सिरसा की सीट हो चाहे हिसार की सीट हो, उसमें हराने में जो है सबको पता है कि किन लोगों का हाथ रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं के उन्होंने नाम नहीं कहे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम उन्होंने जो है आलाकमान को सौंपे हैं, जिन्होंने जो है उनको हराने में जो है अहम योगदान जो है उन्होंने कराया है। वहीं अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले अनिल विज है बीजेपी के नेता, उनका बयान सामने आया, और अब हजका के नेता का चंद्रमोहन बिश्नोई का खुद जो है बयान सामने आया, तो इससे नजर आता है कि जो हजका बीजेपी गठबंधन है वो किस तरह से जो है खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी कमल, जिस तरह से आज चंद्रमोहन बिश्नोई का ये बयान आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को जब बैठक होने वाली है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो उस बैठक में भी काफी गर्मा गर्मी दिख सकती है। जो बिल्कुल, बात करें जैसा कि कुछ पिछले हफ्ते जो है रोहतक में बीजेपी की बैठक हुई थी, वहां पर भी जो है भाजपा विधायक दल के जो नेता है विपक्ष में अनिल विज और दूसरे करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं, दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, कई लोगों ने इस तरह की मांग उठाई थी कि जो विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से प्रदेश में देश में मोदी की लहर चल रही है, उसको देखते हुए बीजेपी की 90 विधानसभा सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर वहीं आज हजका के जो नेता, उनसे जब हमने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि 45 सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे और 45 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो अगर इस बात पर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जाता है कि हजका नेताओं ने पलटवार जरूर किया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि वह 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है सोमवार को, वह काफी ही गर्मा गर्माई के माहौल में हो सकती है। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि करनाल से हमारे संवाददाता कमल मिठा ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो चंद्रमोहन बिश्नोई हैं हजका के बड़े नेता, उन्होंने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि 45 से कम सीटों पर वो समझौते को तैयार नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों पहले जब भाजपा की बैठक हुई थी रोहतक में, उस बैठक में सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि उस बैठक में हजका को सिर्फ 20 सीटें देने की बात कही गई थी, जिस पर हजका को एतराज़ है, 45 से कम सीटों में हजका मानने को तैयार नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।